दोनों बाइक में किस में ज़्यादा पावर है, क्योंकि दोनों बाइक अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रही है। इसका भी मांग बहुत ज़्यादा है मार्केट में और इसका भी मांग बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग देख। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द BR29 बर्नर। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप सर लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइज आज मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइज मैं थोड़ा बिजी था दुकान के प्रॉब्लम से, तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइज आज का वीडियो जो आने वाला है ना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आने वाला है, क्योंकि आज मेरे पास है दो ऐसी बाइक जो कि मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, एकदम पूरा धूम मचा रही है। तो गाइज आप लोग गैस करो कि कौन सी बाइक ऐसी हो सकती है जो कि मार्केट में पूरा धूम मचा रही है। अभी पूरा ऑल मार्केट में पूरा गाड़ी के जो है सारे जगहों पे वो गाड़ी दिख रही है। तो गाइज आप लोग गैस करो कि वो कौन सी बाइक है, और आज हम लोग उस बाइक के साथ करने वाले हैं टग ऑफ वार रस्सी चैलेंज। तो गाइज हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को पूरा सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आ जाए। तो गाइज अभी का लोकेशन देख सकते हैं, अभी का लोकेशन है ये। और गाइज मैं बात करूँ बाइक की, तो सच में यार अभी का जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली बाइक है वो है, आप लोग देखिए। तो गाइज आप लोग इंतज़ार ख़त्म हुआ, ये रही बाइक देखिए। तो गाइज ये रही मार्केट में जो काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रही है दोनों बाइक, TVS की रेडर 125 और ये रही पल्सर N160। तो गाइस दोनों बाइक अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रही है। सो गाइस आज इस दोनों बाइक के साथ हम लोग करने वाले हैं रस्सी चैलेंज। सो आइए फटाफट गाड़ी में रस्सी बांधते हैं और करते हैं अपना धूम धमाल वाला काम। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का दबा लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो आप तक आ जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए बिना देरी के हम करते फटाफट इसमें रस्सी बांधते और बांध रस्सी बांध के करते इसको फटाफट काम। तो गाइज ये रहा हम लोगों का रस्सी, यहाँ से रस्सी लेते हैं और फटाफट चलते हैं गाड़ी में बांधते हैं। सो देख ही सकते हैं, सो ये फटाफट दोनों बाइक में हम लोग रस्सी बांधते हैं और रस्सी बांध के फटाक से मिलते हैं आपसे बाइक पे। तो गाइज दोनों बाइक अपने अपने पोजीशन पे खड़ी हो चुकी है और दोनों में हम लोग बांध दिए हैं रस्सी, और ये रहा इतना मोटा रस्सी देख ही सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बांध दिए हैं। और फटाफट इसको करते हैं अब बैठ के इस पर अब वार्त। मैं चला रहा हूँ पल्सर N160 और सूरज चलाएगा राइडर 125। सो गाइस देखते हैं हम लोग इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड करेंगे, देखते हैं दोनों बाइक में किस में ज़्यादा पावर है, क्योंकि दोनों बाइक अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रही है। इसका भी मांग बहुत ज़्यादा है मार्केट में और इसका भी मांग बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग देख ही सकते होंगे जो जिस मार्केट का है, तो उस मार्केट में बाइक दोनों काफ़ी ज़्यादा अभी धूम मचा रही है दोनों बाइक। तो ये रही 160 cc और ये रही 125 cc। सो आइए फटाफट बिना वीडियो के देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हम दोनों में से बाइक विन कौन हुई। सो ये वीडियो को स्टार्ट करते फटाक से। 2 3 रन स्टार्ट हो गया है गाइस। तो गाइस दोनों बाइक में कंप्रेजेंट सेकेंड वाला हो गया, अब हम लोग करेंगे थर्ड राउंड। दोनों का एकदम टक्कर काफ़ी ज़्यादा ही 125 cc और 160 cc है, अब हम लोग कर रहे हैं पूरा तगड़ा वाला टक्कर करेंगे दोनों बाइक में,
और देखते हैं अब कौन सी बाइक विन होती है। तो मैं चलाऊंगा राइडर 125 और सूरज चलाएगा N160 या फिर दिनेश भाई भी है ये भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलते हैं फटाक से इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो से हम ब्रेक लेते हैं। देखा ही कितना तगड़ा था, अभी की हुई है पल्सर N160, उस पर काफ़ी ज़्यादा ही पावर आप लोगों ने देख ही सकते हैं। इसका आगे का बिल्ली पूरा इसका पप कर रहा था, लेकिन बट उसका आगे का बिल्ली जो है पप नहीं कर रहा था। उसमें काफ़ी ज़्यादा ही पावर है, उसमें पल्सर N160 जो है ना काफ़ी तगड़ा बाइक है, बजाज की बाइक ही अलग होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ही मस्त पावर है। तो गाइस मिलते फिर आपसे एक नई वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ये सब रस्सी चैलेंज करने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, गाड़ी का क्लच प्लेट वगैरह भी सब डर रहता है, और गाड़ी गिर ना जाए टूट ना जाए इसका भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। इतना रिस्क लेकर मैं करता हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।